उत्तर प्रदेश में रबी फसलों की बुआई अक्टूबर से दिसंबर तक चलती है, जिनमें गन्ना और गेहूं मुख्य फसलें होती हैं। अच्छे उत्पादन के लिए रासायनिक खादों का होना आवश्यक है, लेकिन इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में रासायनिक खादों की आपूर्ति बाधित होने के कारण किसान दर दर भटक रहे हैं। फिलहाल इस बात को प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार लोग भले ही ना स्वीकार करें, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। यूपी के कुछ इलाकों में किसानों को बिल्कुल भी खाद नहीं मिल पा रही है, जबकि कुछ जगह मिलती भी है तो इतनी लंबी लाइन लगती है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते खाद खत्म हो जाती है। अगर समय रहते खाद आपूर्ति को बहाल न किया गया तो इसका उत्पादन पर असर अवश्य पड़ेगा। बुलंदशहर से खाद की समस्या को लेकर बुलंदशहर से भारत 24x7 लाइव के ब्यूरो चीफ नाजिम बेग की खाद की समस्या को लेकर देखे ये विशेष रिपोर्ट। मैनेजर साहब, मैनेजर साहब, आप क्या, शुभ नाम क्या आपका? कपिल चौधरी जी। ये डी कपिल चौधरी जी, ये बताएं कि जो डीएपी नहीं मिल पा रही, इसका क्या कारण है? डीएपी पहले तो मिल रही थी, अब क्या नहीं? डीएपी जनपद में पूरी पर्याप्त मात्रा में थी, अभी 5 दिन पहले ही डीएपी जनपद में खत्म हुई है। अच्छा। उसका मुख्य कारण है कि सहकारिता में तो जो है क्रिपको इफ्को ने पूरा सहयोग किया डीएपी एनपीके लाने में, फॉस्फेट में। अच्छा। प्राइवेट कंपनियों की हाफ हाफ रैक करके दो ही रैक आ पाई है जनपद में। अच्छा, आप क्या दे रहे हैं अब, जो दे रहे हैं अभी क्रिपको के पास एनपीके 12-32-16 उपलब्ध है। अच्छा। जो किसानों को समस्त सहकारी समितियों कृषि भारतीय सेवा केंद्रों के माध्यम से आवंटित किया जा रहा है। अच्छा, किसानों को आप कैसे दे रहे हैं, आधार कार्ड से दे रहे हैं? किसानों को सोसाइटी के माध्यम से खतौनी। अच्छा। आधार कार्ड पोस्ट मशीन से बिक्री उपरांत ही किसानों को दिया जा रहा है। अच्छा, पर किसान को कितना दे पा रहे हैं? पर किसान को 2 या 3 और बड़ी किसान को 5 या 7 कट्टे तक दे दिए जाते हैं। दे दिए जाते हैं। और कुछ किसान जिनकी जो एक्चुअल में, क्योंकि आलू बारिश होने की वजह से आलू प्रभावित हुआ है, तो एक ही किसान ने दोबारा से फिर आलू की बुआई की है तो उसका लागत बढ़ी है, तो डीएपी उसने जैसे एक बार प्रयोग किया दोबारा फिर उसको वो पड़ी है। अच्छा, कोई लगेज इसके साथ आप दे रहे हैं? क्रिपको द्वारा कोई लगेज नहीं दिया जा रहा है। इच्छा अनुसार किसान अगर अपनी इच्छा से गेहूं लेना चाहता है तो ले सकता है। ठीक है। चांदोक से है हमारे एक किसान नेता, किसान भाई, जो आप कब से खड़े हुए डीएपी लेने के लिए? काफी देर है। तो क्या किल्लत आ रही है डीएपी मिलने में? डीएपी मिलने में दिक्कत आ रही है। तो कितना, एक एक दो दो कट्टे मिल रहे हैं? भरपूर मिल रही है डीएपी आपको? तो एक एक दो कट्टे मिल रहे हैं। एक एक दो मिल रहे हैं।